I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. But I think it was like who? Like who? अभी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? देखा झूठा प्यार. Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. We'll chat later. Yeah. As I come hazar. Ra 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 cheez ka bazaar. Ye niche hai vyapar. इस इंटरव्यू के बाद लोग दीपिका को पता नहीं क्यों टॉक्सिक बोल रहे हैं. हालांकि जानता तो रणवीर सिंह नहीं है व्हाट वुमेन वांट. मैं हैरान हूँ ये भी कोई नहीं बोल रहा, ये प्लान भी हो सकता है और इसकी वजह मैं वीडियो में कहीं पे भी बता दूंगा. पर दूसरी चीज, चलो मान लिया अगर ये सच भी है तो सवाल ये है, रणवीर सिंह के होते हुए दीपिका और आदमियों से एक्साइटेड क्यों होती थी? मैं जानता हूँ आपके पास सिर्फ एक जवाब है इसका. पर गलत है ये. इसका सही जवाब ये है, रणवीर सिंह ये जानता ही नहीं है व्हाट वुमेन वांट या फिर व्हाट दीपिका वांट. और ये चीज भाई के चेहरे पे भी दिखाई दे रही है. और सिर्फ इसी बात की वजह से मुझे बहुत पहले ये आइडिया हो गया था कि भाई का कटेगा. पर सवाल ये है, दीपिका यानी एक फीमेल को एट द एंड चाहिए क्या? फीमेल्स को एक आदमी से सिर्फ प्यार या पॉजिटिविटी नहीं चाहिए होती है, उनको साथ में नफरत यानी नेगेटिव इमोशंस भी चाहिए होते हैं. अहमद क्या मतलब भाई, कुछ भी बोल रहे हो? ये मेरी बात सच इसलिए है क्योंकि मेरे पास प्रूव है. ये गर्ल्स खुद ही हॉरर मूवीज देखती हैं और फिर बैठ के रोती हैं, कुछ नॉवेल्स रीड करके रोती हैं, या फिर बहुत बार बगैर वजह के भी रोने लगती हैं. और इस सब के बाद रोना एक नेगेटिव इमोशन ही है ना, और ये नेगेटिव इमोशन उनको पसंद है. ये उनको जिंदा होने का एहसास दिलाता है. और सेकंड प्रूफ, क्यों ये बात सच है कि वुमेन्स को नेगेटिव इमोशंस भी उतना चाहिए जितना पॉजिटिव चाहिए होते हैं, क्योंकि वुमेन चूज बैड बॉयज लाइक रणबीर कपूर टाइप आदमी. इसका मतलब ये नहीं है कि रणबीर कपूर एक नेगेटिव इंसान है, बस वो सिर्फ ये जानता है पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस दोनों साथ में किसी भी फीमेल को कैसे देने होते हैं. पर सवाल यह है, मैं कैसे जानता हूँ रणवीर सिंह को नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस साथ में नहीं देना आते जिस वजह से उसका दिल टूटा है? पहले आप ये वीडियोस देखो. आपकी खूबसूरती का राज और क्या मांगू, अपनी लीला, अपनी मस्तानी, अपनी रानी से शादी कर ली. सच में हीरो बन गया मैं तो यार. I just want her to flash her smile. I will say all kinds of things to her in her ear. Just. रणवीर सिंह को ये लगता है हर वक्त स्पेशल फील करवाने से दीपिका या कोई भी फीमेल प्यार में पागल हो जाती है. पर ऐसा नहीं है, ये वुमेन साइकोलॉजी ही नहीं है. आपके कॉम्प्लीमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप हर वक्त तारीफें ही करते रहो. अगर और अच्छे से वुमेन साइकोलॉजी जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब. लेकिन मेन प्रॉब्लम ही ये है, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन साथ में किस तरह से देने होते हैं, जो रणबीर कपूर कर लेता है और रणवीर सिंह नहीं. इसका जवाब मैं थोड़ी देर में बताता हूँ एग्जाम्पल्स दे के. पहले आप ये समझो, अगर कोई इंसान स्पेशल फीमेल से हम बात कर रहे हो और हम उसकी तरफ देख ही ना रहे हो, तो ये उसे ये शो करता है आप अपना अटेंशन उसे देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो. और फिर चाहे जो कुछ हो जाए, फीमेल्स को अटेंशन चाहिए आपसे. एक सर्वे के अकॉर्डिंग गर्ल्स इतना ज्यादा मेकअप सिर्फ अटेंशन लेने के लिए करती हैं. अगर आपका अटेंशन ना मिले तो फिर वो बच्चों की तरह बिहेव करती हैं आपके सामने, लाइक ऑब्सेस्ड होने लगती हैं कि यार बस इस इंसान का अटेंशन चाहिए. अब ये वीडियो देखो. Randeep is looking good in it, as long as his under eyes and all, like his skin is looking good and he's glowing. Then I'll touch it up. Yeah. Chala na. The
दीपिका को कभी भी रणवीर सिंह के साथ ये बच्चों जैसा बिहेव करते नहीं देखोगे, क्योंकि इधर पावर दीपिका के पास है और रणवीर सिंह अटेंशन लेता फिरता है हर बार बच्चों की तरह बिहेव करके। वॉच दिस। तो मेरा पॉइंट ये है, ये सब करना प्यार नहीं होता है, बल्कि आप उसे रेडी कर रहे हो कि वो आपसे बोर हो जाए और एक्साइटमेंट और आदमियों से मिलने में हो उसे। लेकिन सवाल ये है, वुमेन्स को जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन साथ में चाहिए वो किस तरह से देने होते हैं? तो जवाब सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इस तरह से बिहेव करना होता है, तुम्हारा ड्रेस तो काफी अच्छा है पर मेकअप कुछ ओवर ही कर लिया तुमने, या फिर मैं तुम्हारे लिए फ्री हूँ लेकिन इस टाइम के बाद मैं कोई रिप्लाई नहीं देने वाला। अब ये नेगेटिव इमोशंस सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं आपको, या मान लो तुम्हारे पॉजिटिव इमोशंस को बहुत पावर देते हैं जिस वजह से आपका वैल्यू बढ़ता है रिलेशनशिप में। पर इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नेगेटिव इमोशंस देने से आपका ब्रेकअप भी हो सकता है या कोई भी फीमेल बहुत गुस्सा हो सकती है आपसे, बिकॉज वुमेन्स आर सेंसिटिव क्रिएचर। इसके लिए गोल्डन रूल हमेशा अपने माइंड में रखो, किसी फीमेल को गुस्सा दिलाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक ही पॉजिटिव इमोशंस दे के उसका इंटरेस्ट ही खत्म कर दो आप में। मतलब हर तरह का स्ट्रॉन्ग इमोशन अच्छा है, इसीलिए मैं दीपिका को टॉक्सिक नहीं मानता, वो एक वुमेन है, इनकी साइकोलॉजी ही यही है, इनका इंटरेस्ट खत्म हुआ नहीं आप में। आप फिर चाहे फेमस हो, पैसे वाले हो, आपका कटेगा ही कटेगा, और यही हुआ। इसलिए मैं रणवीर सिंह को नाइस गाय मानता हूँ जिसको पता ही नहीं है एक वुमेन को चाहिए क्या। लेकिन सुनो, ये सब प्री प्लान भी हो सकता है, क्योंकि डॉन 3 आ रही है ना, और इसमें रणवीर सिंह का काफी मजाक भी बना था और इमेज ठीक करने के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं। हो सकता है रणवीर और दीपिका साथ में बैठ के हंस रहे हों देख के कि हाँ फिर कैसे बनाया इनको। और इंटरव्यू में एंड पे रणवीर सिंह भी कवर ही करने लग गया था अपनी स्टोरीज बता के अनुष्का के साथ। वॉच दिस। अराइवल्स, आई वाज सिटिंग ऑन द टेबल एंड द डोर वाज like there, and he has these heavy doors, and he lives by the seaside. Yes. So these heavy doors open, and a gush of wind comes from the sea, and she's in like white chicken curry, just like Sadgi ki murat, and her hair is blowing like this. That is how she entered. I was like, oh my god. I go up. कुछ भी हो, भाई के reaction से तो सच ही लग रहा था ये interview. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember the people. I remember very clear. तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा, तुझे पसंद है दीवा ले जा और बस खामोशियां में तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा।